ओहो, पानी कितना दूर तक फेंक रही है यार। हेलो गाइस, मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो में काफी ज्यादा स्पेशल आरसी बोट मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। इस तरीके की बोट मैंने पहली बार खरीदी है। इसको बोलते हैं थंडर मॉन्स्टर जेट एयरशिप। ये कम्प्लीटली मिलिट्री ग्रेड की एयरशिप आप इसे बोल सकते हो। दिखने में कम्प्लीटली बहुत ज्यादा रगड़ और बहुत ही ज्यादा तगड़ी मेरे को लग रही है। इसके अंदर टर्बो जेट ड्राइविंग सिस्टम भी दिया गया, यानी कि नॉर्मल जो आरसी बोट्स होती है उसके अंदर होता है एक प्रोपेलर, पर इसके अंदर कम्प्लीटली टर्बो जेट सिस्टम दिया गया है। तो फटाफट से आज इसको अनबॉक्स करके ये वाले तालाब के अंदर मैं आपको चला के बताने वाला हूँ। वीडियो में आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये बोट दो कलर में मिलती है। ये कलर है मिलिट्री कलर, ये पूरा का पूरा लग रहा है। दूसरा वाला कलर ग्रे एंड रेड कलर में भी मिल जाता है। चलो फटाफट से इसको पहले मैं अनबॉक्स करने वाला हूं। ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एज 14 प्लस, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं कि दूसरी बोट्स के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। बॉक्स को मैंने यहां से ओपन कर लिया है। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना। ये रिमोट है, रिमोट से ही पता चल रहा है कि ये बोट कितनी ज्यादा एडवांस होने वाली है। यहां पे इस तरीके का एक हैंड प्रोटेक्शन भी दिया गया, आप चाहे तो इसको यहां से निकाल भी सकते हो। स्टीयरिंग है, यहाँ पे 3-4 बटन्स दिए गए हैं, 3 नॉब्स दिए गए हैं। रिमोट की क्वालिटी बहुत ज्यादा ऑसम है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वाली बोट। अरे बाप रे, सच में गाइस काफी ज्यादा यूनिक है यार। हाई स्पीड जेट सीरीज बोल के यहाँ पे दिया गया है। इसका मॉडल नंबर है TY727। दिखने में बहुत ही अलग है। पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कहीं पे भी प्रोपेलर देखने को नहीं मिलता। ये इसका जेट सिस्टम है, प्रोपेलर जो है इसके अंदर लगा हुआ है। रबर प्रोटेक्शन भी मिल जाता है ताकि अगर ये कहीं पे भी टकराए ना तो ये बिल्कुल भी डैमेज वगैरह ना हो सके। इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देख लो, ये जो बोट है यहाँ से वाटर को सक करके पीछे की तरफ एक जेट की तरफ फेंकती है, तब जाकर इसको पावर मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर कहीं पे भी सर्वो वगैरह नहीं दिया गया है। यहीं से ही हम लोग इसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा एडवांस मेरे को लगा यार। ये इसका कुछ अटैचमेंट है, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे चार्जर है, स्क्रू ड्राइवर है। ये है इसकी बड़ी वाली बैटरी। भाई साहब, बोट के अंदर इतनी बड़ी बैटरी मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आज ये मिलिट्री जेट बोट के साथ रेस और फाइट कराने के लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे सुपर फास्ट बोट्स को ले लिए हैं। जैसे कि ये है WL टॉयज की टाइगर शार्क बोट, इसके अंदर देखो इतना बड़ा प्रोपेलर लगा है। दूसरी बोट है ये टोमाहॉक बोट, इसका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा है। ये है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट ड्रैगन बोट, इसके अंदर पीछे की तरफ दो दो प्रोपेलर्स लगे हैं। अब मेरे पास एक और जेट बोट है, आपको पता होगा ये दिखने में थोड़ी बहुत एक रॉकेट जैसी दिखाई देती है। तो आप दोनों तरफ से चला सकते हो, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इसके अंदर तो डुअल जेट सिस्टम लगा हुआ है। चलो गाइस, आज इन सभी सुपर फास्ट बोट के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, कौन है सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल। लेट्स गो। यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे बैटरी लग जाएगी। देखते हैं गाइस इसकी टॉप स्पीड कितनी जा सकती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ तालाब के पास। चलो अभी इसको चला के देखते हैं ये कितनी स्पीड से दौड़ती है पानी के ऊपर। पानी पे मैंने इसको रख दिया है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। ओह अरे बाप रे, स्पीड सच में यार काफ़ी ज़्यादा है इसकी। ये देखो गाइस, ओह माय गॉड, ये दूसरी बोट से 100 गुना ज्यादा तेज मेरे को लग रही है। ओए टर्न देख रहे हो, कितना शार्प मार रही है। अरे बाप रे, वो तो गाइस इसकी मेन चीज अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहां से देखो, अब ये पानी यहां से खींच रही है और यहां से पीछे की तरफ से फेंकेगी। पानी कितना दूर तक फेंक रही है यार। इसको बोलते हैं जेट फोर्स मोटर। तो अभी इसको चलाते हैं यार। ये देखो गाइस, अरे कितना ज्यादा स्ट्रेट चल रही है यार ये, मतलब मजा ही आ गया भाई मेरे को तो। ये देखो, मैंने जितना सोचा था ये बोट उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी है यार। इसकी रेंज भी काफी ज्यादा दी गई है। देखो मैंने इसको अभी तक 50 मीटर दूर चला दिया था। अब ये मिलिट्री जेट बोट का सबसे खतरनाक वाला टेस्ट मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे झाड़ियों के अंदर इसको चलाएंगे। पहले थोड़ी कम झाड़ियों में चलाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज्यादा घनी झाड़ियां भी है, इसके अंदर भी चला के देखते हैं। एकदम परफेक्टली चल रही थी, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से भी निकल चुकी है। अब इसको दूसरी तरफ से लेके आने वाला हूँ, यहाँ पे एकदम कांटी वाली झाड़ियां हैं। ओ तेरी, यहाँ पर आकर ये फंस गई यार। मेरे पूरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से निकल जाएगी, पर
पूरी तरीके से कांटी वाली झाड़ियों ने इसको जकड़ लिया है। देखो यहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। अब एक काम करने वाला हूँ, इसको मैं यहीं पे छोड़ूंगा, दूसरी बोट चलाते हैं, दूसरी बोट के साथ इसको रिकवर करने के लिए ट्राई करते हैं। तो अब ये टोमाहॉक बोट को मैं चलाने वाला हूँ पानी के ऊपर। ये लो, पानी के ऊपर मैंने इसको फेंक दिया है। इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है यार, ये देखो बहुत ज्यादा स्ट्रेट चलती है ये। यहाँ से मैंने इसको टर्न करा दिया है, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही शार्प टर्न ले लिया था, इस वजह से बोट पानी के ऊपर पलट गई थी। अब एक बटन दबाने से ये अपने आप को सीधा भी कर सकती है। सामने बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इसके अंदर इसको चला के देखते हैं क्या टोमाहॉक बोट यहाँ से निकलेगी या फिर नहीं। झाड़ियों में घुसते ही झाड़ियों ने इसको पूरी तरीके से पकड़ लिया है, ना तो आगे जा रही है ना तो पीछे आ पा रही है। अब मैं इसके अंदर फुल थर्टल देने वाला हूँ। जैसे ही मैंने फुल थर्टल दिया है, ये लो टोमाहॉक बोट यहाँ से सक्सेसफुली निकल चुकी है। एक और बार मैं इसको झाड़ियों के अंदर लेके जाने वाला हूँ, देखते हैं इस बार ये निकलेगी या फिर नहीं। ये झाड़ियों के अंदर मैंने चला दिया इसको। यहाँ पे देखो बहुत ही कम झाड़ियां हैं, इसका प्रोपेलर ज्यादा बड़े होने के कारण इसको छोटी सी झाड़ियों में भी अगर आप चलाओगे ना तो ये फंस सकती है। जैसे तैसे करके मैंने इसको निकाल लिया है यहाँ से। ये देखो कितनी ढेर सारी झाड़ियां इसके अंदर फंसी है, फिर भी ये निकल के आ चुकी है बड़ी बड़ी झाड़ियों में से भी। अब WL2 इसकी टाइगर शार्क बोट को चला के देखते हैं। इसका रिमोट देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है। अब दौड़ाते हैं यार इसको। वाओ, ये टर्न बहुत बड़ा लेती है यार। अभी तक इसको फुल स्पीड में नहीं चलाया, अगर मैं इसको फुल स्पीड में चलाऊंगा ना पानी के ऊपर ये जंप मारने लगेगी, इतनी ज्यादा तेज ये चलती है। बूम, पत्थर से टकराने के बाद बोट यहाँ पे पलट चुकी है। तो बोट देखो अपने आप ही सीधा हो जाएगी, जस्ट मेरे को रिमोट के अंदर एक बटन दबाना होता है। देखो गाइस सीधी हो गई अपनी बोट। अब ये फीचर ये बोट के अंदर दिया गया है। अब सबसे डेंजरस टेस्ट मैं करने वाला हूँ। डायरेक्ट मैंने इसको झाड़ियों के अंदर जंप करा दिया है। इसके प्रोपेलर के ऊपर कुछ तो लिपट चुका है, इसका प्रोपेलर बिल्कुल भी यहाँ पे घूम नहीं रहा है। दोस्तों देखो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है भाई। प्रोपेलर से मैंने ये जो चीज इसके ऊपर लिपटी है ना, इसको कट करने की भी कोशिश की है, पर यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से फंस गई है। अब इन दोनों बोट्स को ये डबल जेट प्रोपेलर बोट से रिकवर करने के लिए कोशिश करते हैं। पहले मेरे को लगा कि भाई ये भी यहाँ पे फंस गई है, पर दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसके प्रोपेलर अंदर की तरफ छिपे हुए हैं, तो इस वजह से ये बोट मेरे को लगता है इन दोनों को यहाँ से काफी आराम से रिकवर करके लेके आएगी। यहाँ पर अब इसको मैं टक्कर मार के निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हमारी मिलिट्री जेट बोट यहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। अब देखो फुल फोर्स मैंने इसके ऊपर लगा दी है, धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, तो ठीक है मेरे को लगता है अब ये यहाँ से काफी आराम से निकल जाएगी। हमारी डबल जेट प्रोपेलर को इधर लेके आते हैं, यहाँ से मिलिट्री जेट प्रोपेल्ड बोट बहुत आराम से निकल के आ चुकी है। फिर मैंने इसके साथ ये टाइगर शार्क बोट को भी निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, पर ये यहाँ से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रही थी। अब मेरे को ही पानी के अंदर उतरना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। अब रेस होगी डबल जेट बोट वर्सेस सिंगल जेट मिलिट्री बोट के बीच में। इसके सामने दो दो जेट्स है, इसके अंदर देखो सिंगल जेट दिया गया है। देखते हैं क्या ये बोट इसको हराएगी या फिर नहीं रेस में। वाओ, मिलिट्री जेट बोट 4 गुना ज्यादा फास्ट है यार ये डबल जेट बोट से। देखो वो वहां तक जा भी चुकी है और एक टर्न लगा के वापस भी आ रही है। अब मैं इसको यहाँ से टर्न करा लेता हूँ गाइस। मैंने नहीं सोचा था कि ये मिलिट्री बोट ये डबल जेट बोट को भी इतना ज्यादा डिस्टेंस से हरा देगी रेस में। अब मैं रेस कराने वाला हूँ वन ऑफ द सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डुअल प्रोपेलर ड्रैगन बोट वर्सेस मिलिट्री शिप बोट के बीच में। देखते हैं ये बोट क्या इसको हरा पाएगी या फिर नहीं। वाओ, डबल प्रोपेलर बोट काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। देखते हैं गाइस कौन जीतता है। यहाँ से मैं इसको टर्न कराने वाला हूँ, ये टर्न ले चुकी है यार। ये मिलिट्री बोट बहुत ज्यादा क्विक, बहुत ज्यादा फास्ट है भाई, टर्न लेने के मामले में एक नंबर मेरे को लगी है। देखो इसने काफी डिस्टेंस से डबल प्रोपेलर बोट को रेस में हरा दिया है। अब मैं यहाँ पे तीन तीन बोट्स के बीच में रेस कराने वाला हूँ, टोमाहॉक, टाइगर शार्क वर्सेस मिलिट्री जेट बोट के बीच में। देखते हैं तीनों में से कौन जीतता है। टाइगर शार्क बोट को मैं खुद पानी में जाके वापस लेके आ चुका हूँ। चलो गाइस इन तीनों के बीच में रेस को स्टार्ट करते हैं। 2 3 स्टार्ट। वाओ, ये मिलिट्री जेट बोट तो बहुत ज्यादा फास्ट है भाई। अरे यार काफी खतरनाक सा सीन यहाँ पे लग रहा है मेरे को। मेरे को लगा कि WL2 इसकी टाइगर शार्क बोट जीत जाएगी, पर क्लियरली आप देख सकते हो मिलिट्री जेट बोट ने इन दोनों को हरा दिया है रेस में। तो अब ये मिलिट्री जेट बोट की मैं फाइट कराने वाला हूँ सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल बोट के साथ। देखते हैं गाइस क्या ये इसको हरा पाएगी या फिर नहीं।
शुरुआत से ही टाइगर शार्क बोट बहुत ज्यादा भारी पड़ चुकी थी मिलिट्री जेट बोट के ऊपर, क्योंकि मिलिट्री जेट बोट एक तरफ टिल्ट हो गई थी, इस वजह से इसके जेट को पावर नहीं मिल पा रही थी। अब ये सीधी हो चुकी है, अब इसने अपना जलवा बताना शुरू कर दिया। इसने टाइगर शार्क बोट को ऑलमोस्ट पीछे की तरफ से पूरा का पूरा उठा दिया था। अब टाइगर शार्क बोट को भी गुस्सा आ चुका है, इसने वापस से मिलिट्री जेट बोट को अंदर डुबोने की पूरी कोशिश की है, पर यहाँ पे मिलिट्री जेट बोट की पावर इससे बहुत ज्यादा मेरे को लग रही है। क्लियरली यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री जेट बोट है। अब मैं सबसे भयंकर टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर है, टावर के ऊपर मेरा भाई खड़ा है, इतनी ऊपर से अब ये बोट्स को यहाँ नीचे मैं फेंकने वाला हूँ। सबसे पहले टाइगर शार्क बोट को मैंने फेंक दिया है नीचे, पानी ज्यादा गहरा नहीं है, ये सीधा कीचड़ में आके गिरी है। देखो अब ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, मेरे को लग रहा है इसका सर्किट बोर्ड टूट चुका है अंदर की तरफ से, तो अब ये कुछ काम की रही नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब ये दूसरी बोट मैं फेंकने वाला हूँ, ये टोमोहॉक बोट है, इसको भी मैंने पानी के ऊपर फेंक दिया है। जैसे ही मैंने फेंका है पूरा का पूरा पानी उड़ के मेरे मुंह पे आके गिरा है यार। फिर मैंने इसको चला के भी देखा है, टोमोहॉक बोट बहुत परफेक्टली काम कर रही थी। सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बोट को फेंक के देखते हैं। ये मैंने पानी के ऊपर इसको फेंक दिया है, बहुत ही कम पानी है यहाँ पे। अब इसको चला के देखते हैं। ओ माय गॉड, मेरे को लगा कि ये टूट गई है, पर ये अभी भी बहुत परफेक्टली चल रही है गाइस। आज मैं 10 लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ। पहला नाम है किशोर, युवराज, फरहान, अंशु, कल्याण, फहद, हर्षित, इकाग्रा, आरव, सुदर्शन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।